तकलीफ है छत्तीस बरादरी का, 200 करोड़ का गमन कर दिया, बंगालों में हारे, उत्तर प्रदेश में हारने जा रहे हैं, और 2024 का जो सरकार और बीजेपी का सपना वो साकार नहीं होगा। 100% में भाइयों को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, इनका सुपड़ा साहब शुरुआत हो चुकी है। आने वाला टाइम जो किसान भाई चाहेंगे वही होगा। आज के पंचायत के अंदर जो पास करे हैं, मैं भाइयों से समर्थन लेना चाहता हूँ। इन प्रस्ताव में आप लोगों ने दोनों हाथ उठा के समर्थन करना, किसान एकता, भारत एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज। सरकार छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इस 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान के अंदर इतनी संख्या में आप किसान की आवाज़ बुलंद करने के लिए इकट्ठे हुए, हम बिहानी जिले, पुराने बिहानी जिले की तरफ से, जिसमें फोगाट खाप, सोराण खाप, जाटू खाप, इमलोटा सतगामा खाप, चिड़िया खाप और किसान सभा के तमाम पदाधिकारी, इन सब की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं भाइयों का। दो तीन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जो एनसीडी मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूँ। सबसे पहले मैं दो चार भाइयों को बात बताना चाहता हूँ कि ये सरकार पिछले 7 महीने से लगातार इस आंदोलन को तोड़ने का बहुत बड़ा सेंटर रहती है, लेकिन ये आप लोगों की ताकत है, ये किसान भाइयों की ताकत है, जो किसी से नहीं हुआ किसान भाइयों ने किया। देश आज़ाद होने के बाद पहली बार सरदार पटेल के बाद 500 रियासतों को एक करने का काम सरदार पटेल ने किया, उससे भी बढ़ के 2020 और 21 के आंदोलन के अंदर जाति पाति मजहब धर्म सब क्या को सुई के धागे में से पोने का समाज का काम किसान भाइयों ने किया, सबसे ऊपर उठ के किसान भाइयों ने काम कर दिया। दूसरा काम एक और किया, इस कोरोना काल के दौरान मोदी जी जो तीनों काले कानून लाए पिछले दरवाजे से, इसका रोकने का काम था विपक्ष का, पार्लियामेंट के जो विरोधी पार्टी उनका काम था, लेकिन वो असफल हुए, कमजोरी का फायदा उठाया, वो तीनों काले कानूनों को रोकने का काम मेरे बुजुर्गों भाइयों आप लोगों ने इतिहास लिख दिया, वो किसान भाइयों ने किया, 2020-21 में इतिहास लिख दिया दुनिया का। और एक और करने जा रहे हैं, मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, और किसान भाइयों ने यह भी कर दिया कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर राज कौन करेगा उसका फैसला भी किसान भाई करने जा रहे हैं। मैं जो दूसरे 36 बिरादरी के जो भाई हैं उनको बताना चाहता हूँ, ये सरकार चाहती है कि कुछ चंद लोगों का आंदोलन है, मैं उनको बताना चाहता हूँ। आप लोग शुरू से गरीब आदमी के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखना, सबसे पहले गरीब आदमी को बीपीएल कार्ड के ऊपर मिट्टी का तेल मिलता था, उनसे कहा कि मिट्टी का तेल नहीं, आप गैस के ऊपर सब्सिडी ले लो, मिट्टी का तेल गायब, उसके बाद में सब्सिडी खत्म, अब कह रहे हैं सरसों का तेल आ गया, उसके अंदर कह रहे हैं कि सब्सिडी ले लो, और वो सरसों का तेल गायब। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तीनों कानून लग गए जो दाने देते हैं 5-4 किलो महीने के अंदर, ये भी आप लोगों का खत्म होने जा रहा है। मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, ये सबकी तकलीफ है छत्तीस बिरादरी का, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले का आंदोलन है। इस कानून लागू होने से आप हिमाचल प्रदेश का उदाहरण ले, वहाँ सेब की खेती करते हैं किसान भाई, वहाँ सेब जो दूसरे बीच में जो दलाल करने थे अडानी और अंबानी ने गोदाम बना दिए, जो 15 रुपए किलो सेब का भाव था सीधा भाव कर दिया 21 रुपए, अगले साल कर दिया 24 रुपए, और अगले साल एक और रुपया बढ़ा दिया 25 रुपए। 25 रुपया करने के बाद में जो बीच के दलाल थे सारे छोड़ के भाग गए जो दलाली करते थे, और दूसरे नए दलाल आ गए, उन दलालों ने हिमाचल प्रदेश के किसानों का 200 करोड़ का गमन कर दिया, 56 करोड़ रुपया कोर्ट के आदर से मिला, 144 करोड़ रुपया किसान भाइयों का हिमाचल का पेंडिंग कोर्ट में केस चल रहा है। मैं जो भाइयों को बताना चाहता हूँ, किसी भी कर्मचारी के साथ, किसी भी कर्मचारी की डीसी रेस्टीम की तो बात ही छोड़ो, कोई भी अडानी और अंबानी के साथ मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। हमारे जो भाई है, अगर एक कानून लागू हो गया, ढाई ढाई तो 3-3 किलो के जमींदार कहाँ कोर्ट में मुकदमे लड़ेंगे, इसलिए बर्बादी का कानून है। मैं भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर ये गेहूं और धान अगर ये भी सीधा खरीद लिया, उसके बाद में चेक लगी मिलेगी, जिस प्रकार सेब के ऊपर लगी हुई है, अडानी का सेब 100 रुपए किलो, कहाँ 12 रुपए लेके 100 रुपए बेच रहे हैं, 88 रुपए जो किसान का हक है वो लूटने का काम कर रहे हैं। आप एक और देखिए, कोरोना के दौरान अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कोई भी हो, हिंदुस्तान हो चाहे कोई कर्मचारी घरवारी दरबारी हो, इस कोरोना ने सबको बर्बाद कर दिया, लेकिन अडानी और अंबानी की इनकम
300 गुना बढ़ गई। ऐसा कौन सा जादू की छड़ी है? सिर्फ सरकार ने उसको पूरी छूट दे रखी लूट की। इसलिए आप लोगों ने, कबीर जी ने भी कहा है, यही बखत यही बेला साधो यही समय जागने का। मेरे बुजुर्गों भाइयों, आपने समाज को जगा दिया, दुनिया को जगा दिया कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी ताकत किसान है। 85% छोटे किसान है, अपना पेट पालते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार को मैं एक और आश्वासन आपको देना चाहता हूँ, सरकार ने 3 काले कानून वापिस करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। ये किसान की जीत है। 7 महीने से बैठे, इससे बड़ी त्याग और तपस्या, पूरी सर्दी चली गई, गर्मी चली गई, चौमासा शुरुआत होगी। इतनी बड़ी मत छेड़ किसी गरीब को, रोजेगा ऊपर वाले ने सुन ली तो दुनिया से खो जाएगा। 85% गरीब जनता की बदवा मोदी जी को लेकर बैठेगी। तो 2024 बंगालों में हारे, उत्तर प्रदेश में हारने जा रहे हैं, और 2024 का जो सरकार और बीजेपी का सपना वो साकार नहीं होगा। 100% में भाइयों को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, इनका सुपड़ा साफ शुरुआत हो चुकी है। आने वाला टाइम जो किसान भाई चाहेंगे वही होगा। मैं भाइयों से पुनः प्रार्थना करता हूँ, आप इसी प्रकार डटे रहें, इसी प्रकार शांति प्रिय मंचन के साथ लगे रहें। ये 5-7 जो प्रस्ताव आज के पंचायत के अंदर जो पास करे हैं, मैं भाइयों से समर्थन लेना चाहता हूँ। इन प्रस्ताव में आप लोगों ने दोनों हाथ उठा के समर्थन करना। लास्ट में 3 नारे बोलूंगा, 3 नारे लगाना, उसके बाद तमाम भाई शांति प्रिय अपने मंजिल, जो अपनी मंजिल है, घर पे जाना है, टोल पे जाना है, बॉर्डर पे जाना है, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को बरकरार रखेंगे। भाइयों को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ भाइयों को, ये कतलाना टोल, ये पूरा भैंडी जिला, तमाम खाप, तमाम सरदारी को, किसान यूनियन को विश्वास और भरोसा देना चाहता है, तन से मन से धन से, जिस प्रकार हमारे खटखट टोल के भाई और सब भाई जो लगे हुए हैं, तन से मन से धन से किसान आंदोलन के साथ, भाइयों के चोरी छुट्टा के साथ, तो आज के जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पास करे हैं, बिना देरी के सरकार 3 कानून वापिस करे। प्रस्ताव नंबर 1, हाथ उठा दे तमाम भाई, सहमति। नंबर 2, MSP की सरकार गारंटी दे। नंबर 3, बिजली संशोधन मसौदा इस बिल को वापिस करे। नंबर 4, चारों लेबर कोर्ट जो बिल बनाए हैं उसको निरस्त करने चाहिए, लेबर के भाइयों को बिल्कुल अधिकार मिलना चाहिए। हरियाणा विधानसभा द्वारा जो एक्सटी पूर्ति जो बिल लाए हैं आंदोलन के द्वारा, ये निरस्त होना चाहिए, इसके लिए भी भाइयों से मेरी प्रार्थना, समर्थन करें। आंदोलन के दौरान साथ देने वाले भाइयों को शहीद का दर्जा मिले, उसके बच्चों को नौकरी मिले, उनको मुआवजा दे सरकार 50 लाख रुपए। पावर ग्रिड बिजली के जो नियम बनाए हैं उनको निरस्त करे, ये आप लोगों ने रोक दिया, ना लागू कर देती सरकार अब से पहले, ये भी आप लोगों की ताकत के कारण हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र जैसे जो पावर ग्रिड की लाइन बिछ रही है, जो पहले सरकार खंबे खंबे के कुछ पैसे देती थी, इस बाजार के रेट के हिसाब से उस जमीन की कीमत घट जाती है, जिसके ऊपर बिजली के तार चले जाते हैं, उस तारों का भी सरकार ने मुआवजा देने का भी प्रस्ताव हम पास कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे रेल हो, हेल्थ हो, जो भी डिपार्टमेंट सरकार प्राइवेट करना चाहती है, इनको एज इट इज सरकारी रखा जाए और रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। किसान आंदोलन 7 महीने के बाद भी केंद्र सरकार हर धर्मता पर अड़ी हुई है, दिल्ली बॉर्डर के धरनों पर सहगति बढ़ाने के लिए हर भाई टोल के ऊपर, वहां बॉर्डर के ऊपर जाके गांव वाइज ड्यूटी लगा के अपनी हाजिरी वहां पर दर्ज करने, तमाम भाइयों ने पूछना है, इस आंदोलन को गति देनी है। सहमति करें इस बात के ऊपर। 9 नंबर के है कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घट गई, इसके बावजूद भी 100 रुपए से ऊपर डीजल और पेट्रोल पहुंच गया। हम यह भी प्रस्ताव करते हैं कि इस महंगाई से सारा देश, 36 बरादरी सब बर्बाद हो जाएंगे, इस तेल की कीमत कच्चे बाजार के हिसाब से डाउन की जाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमारे से सस्ता व्यक्ति है, इसलिए इसका भी समर्थन करो। लास्ट में मैं एक और बताना चाहता हूँ, 11 नंबर सरकारी गैर सरकारी उपयोग के लिए भूमि अधिग्रहण कलेक्टर रेट, और जो किसान भाई हैं, इस कोरोना के दौरान इस सरकार की तानाशाही के कारण
जो किसान भाइयों के ऊपर कर्जा है वो सरकार तुरंत प्रभाव से तमाम भाइयों का कर्जा माफ करे सरकार, क्या अपने प्रस्ताव करते हैं। और लास्ट में एक और सबसे महत्वपूर्ण बात थी, ये आंदोलन पिछले 7 महीने से चल रहा है और जो हमारे संयुक्त मोर्चे के भाई नेतृत्व कर रहे और तमाम का पूरा समाज उनका तन मन धन से समर्थन कर रहा लगातार, हमारी खापों के लिए जिम्मेवारी है कि तमाम खापे समर्थन कर रहे हैं, निगरानी रखेंगी कि कहीं आंदोलन भटक ना जाए। विजय श्री को लेकर बोर्ड से वापिस होंगे और यूनियन के भाइयों को कहना चाहता हूँ तमाम खापों का समर्थन आपके साथ है, आपके ऊपर भरोसा है, आप लड़ाई लड़ते रहिए, हम आपके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन करें। और 2-3 नारे पुणे तमाम भाइयों का धन्यवाद, 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना कि आपकी आवाज हर तौर पर जाए। किसान एकता, किसान एकता, भारत एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति, आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और कोई भाई बिना खाना खाए नहीं जाए, आप लोगों के शव में जैसे टूटे फूटे आ जाए, खाना खा के जाए तमाम भाई। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।